गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल बी स्टडी फाउंडेशन मैथ्स प्राइमर। फाउंडेशन मैथ्स प्राइमर में आज हम पढ़ेंगे एडिशन विथ जीरो। क्या पढ़ेंगे? एडिशन विथ जीरो, जीरो के साथ हम एडिशन पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा है ना, जीरो मीन्स नथिंग। जीरो मीन्स क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे जीरो है, और जीरो मीन्स कुछ नहीं होता है। ओके, सो इफ एनी नंबर इज एडेड टू जीरो द रिजल्ट इज सेम नंबर। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है, थ्री पम्पकिंस हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे क्या मानेंगे हम? जीरो मान लेंगे। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट्स में हम किसी भी नंबर में हम जीरो को ऐड करेंगे तो उसका नंबर सेम नंबर आएगा, क्योंकि जीरो किसी के साथ ऐड नहीं होता है, जो नंबर है वो सेम आ जाएगा। ओके, तो थ्री प्लस जीरो इज इक्वल टू थ्री। ओके, थ्री प्लस जीरो इज इक्वल टू थ्री आ गया। ओके, तो जीरो किसी भी नंबर के साथ ऐड नहीं होता है, वो नंबर एज इट इज लिखा जाता है। ओके, जैसे टू प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो तो इसके साथ ऐड नहीं होगा, तो टू प्लस जीरो इज इक्वल टू टू हो जाएगा। जीरो प्लस थ्री, थ्री जीरो में ऐड नहीं होगा, सो ये नंबर वैसे यहाँ पे राइट हो जाएगा। जीरो किसी के साथ ऐड नहीं होता है, वो नंबर हम उसी तरीके से वहाँ पे लिख देते हैं। सिक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू सिक्स, जीरो प्लस नाइन इज इक्वल टू नाइन, थ्री प्लस जीरो इज इक्वल टू थ्री। सो जीरो किसी के साथ ऐड नहीं हुआ, नंबर वैसे ही लिखा गया है। सो आप इस साइड का खुद से करिएगा। अभी हम आपको नेक्स्ट पेज बताएंगे, एडिशन बाय ड्राइंग लाइन। ओके, लाइन ड्रॉ करके हम लोग एडिशन पढ़े हैं ना, यहाँ भी वही लाइन ड्रॉ करके हमको एडिशन पढ़ना है। एट द फॉलोइंग टू प्लस वन इज, ठीक है, टू प्लस वन यहाँ पे दिया है ना, एडिशन बाय ड्राइंग लाइन, तो हम लाइन ड्रॉ करके एडिशन करना सीखेंगे। ऊपर कितने नंबर से? टू, तो हमने टू लाइन ड्रॉ किया। नीचे कितने? वन, टू वन। अब क्या करेंगे हम? एक साथ सिर्फ काउंट करेंगे, वन टू थ्री, तो टू प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? फाइव प्लस वन, तो ऊपर कितने लाइन ड्रॉ करेंगे हम? फाइव लाइन, वन टू थ्री फोर एंड फाइव प्लस वन। नीचे कितने नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे? वन। अब एक साथ हम इनको काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। फाइव प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा। एंड नेक्स्ट फोर प्लस फोर क्या होगा? ऊपर फोर नंबर है, तो यहाँ पे हम फोर लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री एंड फोर। नीचे भी फोर है, वन टू थ्री फोर। अब हम इनको क्या करेंगे? एक साथ काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो फोर प्लस फोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एट हो जाएगा। ओके, सो आप लोग आगे की एक्सरसाइज को इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करके बुक पे करिएगा, और बोथ पेज का एक्सरसाइज स्कैन करके मैम को ग्रुप में सेंड करिएगा। ओके, बाय।